80 के दशक की वो अभिनेत्री जिनके एक झलक पाने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते थे, ब्लैक से टिकट लेते थे और उनकी फिल्मों को एंजॉय करते थे। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ग्लैमरस एंड बोल्ड एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे की, जिन्होंने बॉलीवुड की कई हिट फिल्में दी। हालांकि इस दौरान उन पर एडल्ट एक्ट्रेस का भी टैग लगा, लेकिन ये टैग ज्यादा दिनों तक नहीं चला। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की छोटी कोरस सिंगर पद्मिनी की, जिन्होंने मात्र 6 साल की उम्र से ही बॉलीवुड में दस्तक दी, वो भी एज अ सिंगर। आपको बता दें पद्मिनी कोल्हापुरे का जन्म 1 नवंबर 1965 को महाराष्ट्र के कोंकणी परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडरीनाथ कोल्हापुरे शास्त्रीय गायक थे, जबकि उनकी माँ अनुपमा कोल्हापुरी एयरलाइंस में काम करती थी, जिन्होंने घर गृहस्थी देखने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। बता दें पद्मिनी कोल्हापुरे पंडरीनाथ की तीसरी बेटी थी। उनकी बड़ी बहन पूर्व अभिनेत्री शिवांगी कपूर, अभिनेता शक्ति कपूर की पत्नी और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और अभिनेता सिद्धार्थ कपूर की मां है। वहीं उनकी छोटी बहन अभिनेत्री तेजस्विनी कोल्हापुरे एक इंडियन मॉडल है, जिन्होंने पंकज सारस्वत के साथ लव मैरिज की। आपको जानकर हैरानी होगी कि पद्मिनी कभी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी। पद्मिनी के घर में संगीत का माहौल होने के कारण उनका रुझान भी संगीत की ओर था। वो बचपन में ही अपने पिता से संगीत के गुर सीखने लगी, लेकिन पद्मिनी की दादी की इच्छा उन्हें बॉलीवुड में बतौर एक्टर देखना था, जिसमें आशा भोसले ने प्रमुख भूमिका निभाई। दरअसल उस समय देवानंद अपने फिल्म इश्क के लिए एक एक्ट्रेस की तलाश कर रहे थे और आशाताई ने पद्मिनी कोल्हापुरे का नाम सुझाया, जिसके बाद पद्मिनी भी इस फिल्म में नजर आई। बतौर बाल एक्ट्रेस पद्मिनी ने यादों की बारात, किताब और दुश्मन दोस्त फिल्म में कोरस सिंगर के तौर पर गाना गाया। इसके अलावा उन्होंने अपने फिल्म विधाता, सात सहेलियां, हम इंतजार करेंगे और सड़क छाप जैसी फिल्मों में गाने गाए, जिसमें बतौर एक्ट्रेस भी नजर आई। हालांकि उन्होंने वो गाने लता दी और आशा दी के साथ मिलकर गाया। मेरे नजर में शायद पद्मिनी पहली ऐसी अभिनेत्री हो जिन्होंने 5 साल की उम्र में ही कैमरा को फेस किया था। फिल्म थी एक खिलाड़ी 52 पत्ते, जो 1972 में रिलीज हुई। बतौर अभिनेत्री पद्मिनी ने शुरुआत 1980 में रिलीज हुई फिल्म जमाने को दिखाना है से की। नासिर हुसैन की इस फिल्म में पद्मिनी के अपोजिट ऋषि कपूर थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। इसी साल उनकी रिलीज हुई फिल्म इंसाफ का तराजू उनके लिए एक सीने करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसके निर्देशक बीआर चोपड़ा थे। हालांकि इस फिल्म के बाद उन्हें एक कैटेगरी की एक्ट्रेस भी कहा जाने लगा, क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स थे जो बेहद ही आपत्तिजनक थे। बता दें कि इससे पहले भी पद्मिनी ने 1980 में रिलीज फिल्म गहराई में एक न्यूड सीन देकर तहलका मचा दिया था, जिसका असर उनकी छवि पर भी पड़ा। इन फिल्मों के बाद पद्मिनी ने वैसी फिल्मों से दूरी बनाना शुरू कर दिया। 1982 में रिलीज हुई प्रेम रोग पद्मिनी कोल्हापुरी की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म का निर्देशन राज कपूर ने किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाया। इसके अलावा पद्मिनी सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग, सौतन, विधाता, प्यार झुकता नहीं, ऐसा प्यार कहा जैसे फिल्मों में भी नजर आई, जो सुपरहिट रही।